There's news, there's sense, and there's nuisance. This show is all about that last bit. We are back after a week's break. और क्या क्या नहीं हुआ इस हफ्ते? एक ही हफ्ते में वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए. क्या क्या नहीं हो गया? So much हुआ है. Exactly, RSS. So much हुआ है. And we have so much for you guys in this show. इस शो में कॉमेडी है, 400 पार डजंट सीम टू बी हैपनिंग दिस मॉर्निंग, ओनली ब्रायन लारा कुड गो 400 पार, डायलॉग बाजी है. आजकल राहुल गांधी जब अपने आप को आईने में देखते हैं तो मुस्कुराते नहीं है, उनको गुस्सा आता है, सबको बहुत गुस्सा है, इमोशंस भी हैं. अरे प्रदीप जी, डोंट, नाउ यू मेड हिम, ओ गॉड, नो, बट द थिंग इज, लिसन, अलेज्ड अडल्ट कंटेंट भी है. ये दर्शक देख रहे हैं, आपने कहा था कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सुन रही थी आधे घंटे से. ऑप्टिमिज्म है. एनडीए हैज क्रॉस्ड हाफवे मार्क और एनडीए 350-370 के तरफ स्ट्रॉन्गली बढ़त ले रही है. डिल्यूजन है. इस बार के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं बल्कि प्रो इनकम्बेंसी की लहर चल रही थी. एंड एज यूजुअल इस शो में गुड ओल्ड भक्ति भी है. तीसरा टर्म पहला दिन और मोदी ने टॉप गियर कैसे लगा दिया है आज देश को बताऊंगा. न्यूसेंस वालों, तुम्हें क्या लगा था कुत्ते की पूंछ इतनी जल्दी सीधी हो जाएगी? नो. एनीवे, बैक टू आवर शो. बॉस, हमारे पास बहुत एक्शन पैक शो है इस बार. नॉट दैट, दैट वाज रॉन्ग एंड वी आर अगेंस्ट दैट एंड वी कुड हैव डन विदाउट दैट वेरी ग्राफिक ग्राफिक रिपब्लिक. कंगना रनौत को किसी ने थप्पड़ मार दिया, चाटा मार दिया. Now, in case you're living under a rock or in Vivek Agnihotri's Facts Are Not Facts universe, Modi ji has become the Prime Minister for the third straight time. तो जनता ने एक बार फिर से Prime Minister बना दिया मोदी जी को, बस थोड़ा सा resize कर दिया. This cartoon says everything you need to know about what happened on June 4th. But some cartoons are still in denial. मोदी ने इंडी गठबंधन को कैसे भिगो भिगो के आज धोया है, आज उसके बारे में आपको दिखाऊंगा. इनको थोड़ा टाइम लगेगा, but the fact is that मोदी सरकार fell short of a simple majority and could not manage crossing 240 seats in the lower house. NDA got 293 seats. The India group, on the other hand, managed to get 232 seats, which was more than what most people predicted. उत्तर प्रदेश threw up a big shock. आपको तो बहुत बुरा लगा होगा ना? So, चुनावी मौसम बहुत टर्बुलेंट रहा. कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलिए हमारे साथ गोदी जीवीज की इलेक्शन जर्नी पे. अपनी कुर्सी की पेटियां ठीक से बांध लीजिए क्योंकि मौसम बदलने वाला है. लेट्स टेक यू थ्रू द जर्नी ऑफ अ गोदी एंकर ड्यूरिंग दिस इलेक्शन सीजन, द फर्स्ट स्टेज ऑफ दिस जर्नी, ओवर कॉन्फिडेंस. इट ऑल स्टार्टेड ऑफ सनी, स्मूथ, विद एन एयर ऑफ कॉन्फिडेंस, और शैल आई से ओवर कॉन्फिडेंस. क्या ये चुनाव महज एक फॉर्मेलिटी है? स्मिता जी तो स्टार्टेड ऑफ विद जस्ट अ फॉर्मेलिटी. मुझे ख्याल आया कि आप 2024 नहीं पर 2029 की जनरल इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं. कुछ लोग 2029 के सपने देखने लगे. प्रधानमंत्री जी, क्या आप सिर्फ 24 की तैयारी करके बैठे या 29 की भी करके बैठे? एक तरफ है अब की बार 400 पार और एक तरफ होगा अब की बार 40 पार. अब की बार 40 पार. अब की बार 40 पार फॉर कांग्रेस? दैट डिडंट रियली एज वेल सुधीर. इंडिया की गारंटी, मोदी 400 पार, ये कहानी बड़ी जोरदार है. नरेंद्र मोदी का टारगेट इससे भी बड़ा है और ये टारगेट है 400 पार. मोदी 400 पार कर रहे हैं, ये सबने मान लिया है. जब सारे एंकर्स एनडीए को 400 पार करा रहे थे तो अमन ने सोचा, आई डू समथिंग डिफरेंट. अब 400 पार की बात की गई है, दावा है 400, तो सर रफ्तार यही रहेगी तो फिर 29 में फिर 450 पार की बात होगी. 450 पार, अमन 600 ही पार करवा देता. 2024 में नरेंद्र मोदी दुनिया के प्रधानमंत्री बनेंगे क्या? Now, while the anchors were writing off the opposition, कि विपक्ष तो किसी काम की नहीं है, निकम्मी है, मोदी जी also shifted gears, saying कि opposition कुछ भी कर सकती है, ये कर देगी, वो कर देगी, तुम्हारे जेवर जमीन छीन लेगी, तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेगी और यहाँ तक कि तुम्हारी भैंस भी छीन लेगी. 400 पार से ज्यादा मोदी जी मटन, मछली और मुगल पे बातें कर रहे थे. And Sudhir even made a chart on all this, कि भाई, what an idea, sir जी. क्या जोकर आदमी है? A large section of the media, instead of criticizing Modi on his increasingly communal speeches, was like, छोड़ो यार,
मोदी जी ने कहा होगा तो कुछ सोच समझ के कहा होगा। इन अ पॉलिटिकल स्पीच व्हेन यू आर टॉकिंग टू रूरल वुमेन, व्हेन यू आर टॉकिंग टू रूरल मेन, रूरल वुमेन से आप क्या बात करोगे? उनके पास क्या है रिसोर्सेज? उनके पास दे डोंट हैव एक्सेस टू रिसोर्सेज, राइट? इट्स द मेन इन द फैमिली हु हैव एसेट्स एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। द वुमेन ओनली हैव स्त्रीधन, द वुमेन ओनली हैव देयर मंगलसूत्र एंड द गोल्ड दैट दे वेयर। स्मिता प्रकाश, न्यू मोदी जी की असली मन की बात। प्राइम मिनिस्टर तो बस कनेक्ट कर रहे थे रूरल वुमेन के साथ। लकीली रूरल वुमेन आर स्मार्टर देन स्मिता प्रकाश। नेक्स्ट अप, सम वेरी हार्ड क्वेश्चंस वर आस्क्ड। नॉट शीर्ष पर बने रहना, जैसे कहते हैं अंग्रेजी में, इट्स ऑलवेज वेरी लोनली एट द टॉप। और शीर्ष पर बने रहना का अपना एक दबाव भी होता है बहुत। आप कभी उस दबाव को महसूस करते हैं? मोदी एक प्रधानमंत्री तो हैं, लेकिन एक इंसान भी हैं, एक बेटे भी हैं। मोदी जी ने भारत को कूल बना दिया। नहीं, कूल और स्ट्रॉन्ग दोनों बना दिया। यू आर लुकिंग वेरी फ्रेश, वेरी रिलैक्स्ड। ऐसी हालत में भी आप टफ डिसीजन लेते हैं, एक कैसा कर पाते हैं? आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है नरेंद्र मोदी का? कोई बेस्ट फ्रेंड है? BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। 5 साल पहले मैंने आपसे कहा था आप थकते क्यों नहीं है। आज 5 साल बीत जाने के बाद आप ज्यादा एनर्जेटिक मुझे लग रहे हैं, ज्यादा आपने रैलियां की है, ज्यादा आप काम कर रहे हैं। आप वाकई थकते क्यों नहीं है? इतना माहौल सजा दिया था इन लोगों ने, इतनी रौनक सजा दी थी, तो ऑब्वियसली बारात तो मुहूर्त से पहले निकलनी ही थी। दूल्हा वाज रेडी, घोड़ी पे चढ़ा दो जल्दी से एग्जिट पोल्स का शुभ घड़ी देख के। इंडिया टुडे ग्रुप, एक्सेस माई इंडिया, एग्जैक्ट पोल। आउच। ऑप इंडिया से भी कम क्रेडिबिलिटी वाले एग्जिट पोल्स शोड अ लैंडस्लाइड विक्ट्री फॉर द बीजेपी एंड द एनडीए। और फिर क्या था, इट वॉज टाइम फॉर सम प्रीमेच्योर सेलिब्रेशंस इन द स्टूडियो। स्टेज 2, प्रीमेच्योर एग्जिट जैक्यूलेशन, सॉरी फॉर द बैड पन। पिछले 2 बार के एग्जिट पोल को देखें तो वो न सिर्फ सही साबित हुए हैं, बल्कि एग्जिट पोल एनडीए को जितनी सीटें देते हैं उससे ज्यादा ही सीटें उसे आती हैं। दैट डिड नॉट एज वेल, मेनी थिंग्स अबाउट लास्ट वीक डिड नॉट एज वेल। इस बार के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं बल्कि प्रो इनकम्बेंसी की लहर चल रही थी, और ये एक अभूतपूर्व बात है। अभूतपूर्व, द रियल स्टोरी इज तमिलनाडु एंड द वे बीजेपी इज परफॉर्मिंग देयर। सो टू पैराफ्रेज स्मृति ईरानी, कौन कहता है चेन्नई के आसमान में सुराख नहीं हो सकता, जरा तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। पत्थर उछालो रंगा। If these numbers are correct, Mr. Narendra Modi comes back as the Prime Minister of India for a third term with a stronger NDA, with a stronger mandate, and with a stronger vote share after 10 years in power. If that's not a wave, then I don't know what is. हमने तो पहले ही कहा था, आएगा तो मोदी ही। I'm just keeping my fingers crossed. Aha! पकड़ी गई पनौती। नविका, अगर आप फिंगर्स क्रॉस नहीं करती तो आई एम वेरी श्योर मोदी जी एटलीस्ट 270 तक तो पहुंच ही जाते। एंड देन दीज पीपल गेट अपसेट एट बीइंग कॉल्ड गोदी मीडिया। गोदी मीडिया विदाउट अ सिंगल वोट हैविंग बीन काउंटेड, गोदी जीवीज ने मोदी जी को क्लियर मेजोरिटी दे दी। व्हाई यू आस्क? लिसन टू नविका। ऑप्टिमिज्म डजंट हैव एन एक्सपायरी डेट। मीनवाइल ओवर एट इंडिया टुडे, राहुल कवल्स ओनली क्लेम टू फेम दिस इलेक्शन वाज स्माइलिंग एज द पीएम कॉल्ड हिम एंड हिज कॉलीग्स बुजदिल। एक इकोसिस्टम ने आप लोगों को डरा करके रखा हुआ है और आप लोग बुजदिल की तरह डरे हुए हो। दिस राहुल कवल वाज जस्ट लैशिंग आउट एट एवरीवन कि भाई लोग क्यों नहीं समझते कि पीएम इज द बेस्ट। एग्जिट पोल में 400 पार हो रहा है, व्हेन विल यू वेक अप दैट ही इज द बेस्ट। There are leaders in the opposition who've refused to accept the fact that Prime Minister Modi has won fair and square, that he has the trust, respect and credibility of the Indian people, which is why he's been voted to power. These are people who've been in delusion for the last 10 years. My concern is that will continue even after the results come out, because they're refusing to read the writing on the wall. But and they've not accepted the verdict for the last 10 years. There's a bunch of people who don't seem reconciled to the idea that Prime Minister Modi is winning the hearts, the minds and the trust of the Indian voter. They've been in denial for 10 years now. Rahul, which people are you talking about? Your own reporters in your own group who've been recording the discontent with Modi this election? महंगाई इतनी समस्या है कि कुछ पूछो मत ही। इस बार सरकार हम बदलाव की रोड सोच रहे हैं बस। बेरोजगारी है। उसके नाम पर वोट है? उसके नाम पे वोट नहीं। बेरोजगारी पे वोट जाएगा? हाँ, बेरोजगारी पे तो वोट जाएगा। क्या लग रहा है, किसका लहर लग रहा है, हवा लग रहा है? कांग्रेस, अगली बार कांग्रेस सरकार। एनीवे, फिर आया डी डे। Final results were upon us, and forget 400 par, the BJP couldn't even get a simple majority on its own.
a big shocker was Uttar Pradesh. From winning 62 seats in the state in 2019, the BJP was now down to 33 seats. कहीं ना कहीं झटके 440 वोल्ट के लग रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे बंगाल हो और चाहे राजस्थान हो. और बाकी जो उम्मीद थी शायद उस तरह से ना पंजाब में है और झटका तो हरियाणा में भी छोटा नहीं है. A very clear indicator that things weren't going exactly as planned for the BJP in Uttar Pradesh was given by Times Now Nav Bharat. NDA आगे चल रहा है तो मोदी जी की शक्ल नीचे, यूपी में चीजें थोड़ी गड़बड़ नजर होती नजर आ रही हैं तो नड्डा जी की एंट्री हो गई. थर्ड स्टेज ऑफ दिस टर्बुलेंट जर्नी, चिंतन, ये हुआ तो क्यों हुआ? जिस 400 पार के नारे को आपने साइकोलॉजिकल बेंचमार्क शायद किया, क्या इसका उल्टा इंपैक्ट प्रभाव ये हो गया कि आपके अपने वोटर जी उत्तर प्रदेश में बाहर नहीं निकले, उनको लगा कि आप तो जीत रहे हैं? इसमें बड़ी सीख बीजेपी के लिए है कि उन्होंने शायद, पता नहीं जो जो कारण हो, शायद इंटरनल पॉलिटिक्स हो उनकी, शायद एकजुट होके उन्होंने नहीं लड़ी है. और हर सबको पता है कि इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत है उत्तर प्रदेश में, शायद वो सामने आ गई. आई एम ओपन इन सेइंग देयर इज इंटरनल पॉलिटिक्स इन द यूपी बीजेपी. बीजेपी से ज्यादा आत्मचिंतन तो अरब ने कर डाला. एंड व्हाट अ यू टर्न यार, मतलब विद इन 24 आवर्स फ्रॉम मोदी वेव डाउन टू यू गाइस आर फाइटिंग अमंग योरसेल्व्स. 400 पार का नरेंद्र मोदी का नारा बैकफायर करता दिख रहा है. क्या 400 पार का आत्मविश्वास बीजेपी को झटका दे गया? क्या यूपी और राजस्थान जैसे राज्यों में कैंडिडेट्स का सिलेक्शन बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहा है? कैलाश विजयवर्गीय जी नमस्कार. यूं तो आप बहुत गाने गा के सुनाया करते थे, आज मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप के बावजूद कोई गाने याद आ रहे हैं या बाकी देश में जो झटके मिले हैं उन्होंने थोड़ा सुर और ताल दोनों बिगाड़ दिया? सुर और ताल तो नविका का भी बिगड़ रहा था. I repeat, सारी गलती इनकी fingers cross की ही है. 400 पार doesn't seem to be happening this morning. Only Brian Lara could go 400 पार. Over at India Today, Radeep Sardesai just couldn't contain his excitement at the thought of Smriti Rani losing. This is the magic of this wonderful country called India. Salam to the Indians. You are the greatest country in the world. Chill yaar, don't give it away itna bhi. Chill man. Rajdeep's joy was shared by his colleague over at Aaj Tak. We're not surprised. Sabse badi haar jis mantri ki hui hai, wo hai Shrimati Smriti Irani ji. Ye haar unhe Rahul Gandhi se nahi mili hai. Ye haar unhe Congress party ke ek karyakarta jo pehli baar chunav lad rahe the, jinhone khud kabhi ye nahi socha tha ki wo kabhi chunav ladenge aur sansad banenge. And this is the magic of this wonderful country called India. Whether you're left liberal Rajdeep type or jihad specialist Sudhir type, you're united when it comes to Smriti Irani losing her seat in Amethi. The results were so shocking for Godi anchors that even our Sabhya Shant Rajat ji lost his cool and allegedly used some very unparliamentary language in his show. मैंने कहा था कांग्रेस अगर 90 सीटें भी जीत ले तो उसकी जीत मानी जाए. नरेंद्र मोदी, ये दर्शक देख रहे हैं, आपने कहा था कोई बड़ी बात नहीं, ये मैं सुन रही थी आधे घंटे से. Now look, I have no idea what he said there, but the Congress national spokesperson Ragini Nayak has accused India TV editor in chief Rajat Sharma of abusing her on live television. कांग्रेस के लाखों करोड़ों लोग, इस देश की जनता, वो वीडियो देख रही थी, आपने मुझे गाली दी. न सिर्फ आपका मुखौटा हटा है बल्कि आपके मन में कितना मैल है, कितना जहर है, कितना गुस्सा, कितना क्रोध, कितनी घृणा है, वो सब आज कहीं ना कहीं बाहर आया है. इस एलिगेशन के रिस्पांस में रजत शर्मा हैज पुट आउट अ क्लेरिफिकेशन. मैंने अपने जीवन में आज तक कभी भी कहीं भी किसी को गाली नहीं दी है. किसी को गाली नहीं दी है. वी अंडरस्टैंड कि आपने शायद टीवी पे गाली नहीं दी होगी रजत जी, because we can't hear properly what you're saying. But then to say ki maine zindagi mein kabhi gaali nahi di, we believe him. Itna shairana andaaz hai Rajat ji ka, dil se kitne kavi type insaan hai, kabhi gaali nahi de sakte. Hole hole ho jayega pyar, ab ki baar 400 par. Chutni ke bina dhokla bekar, ab ki baar fir se Modi sarkar. Natijon ke baad राहुल होंगे फरार, अब की बार 400 पार. Can this man abuse anything other than the profession of journalism ever? Never. क्या जोकर आदमी है? Over at
India Today, when asked about why and how they got the exit poll so wrong, Rajdeep was his smug best. Ab aaya Pradeep Pahad ke niche. At the moment, as they stand, you have every right to say the exit pollsters have egg on their face. At least Rahul was trying to share the blame. To be fair, even the channels have a bit of egg on their face. But you can't just now throw all the egg the pollsters way. No, no, but the pollsters have to take, and I will take 10% egg, they take 90%, but go ahead. क्या राजदीप, जब प्रदीप ठीक होता है तब तो नजवा लेते हैं उसको, आज गलत हो गया बेचारा तो you're throwing all the egg his way. Very bad team spirit. Of course, no election show is ever complete without Pradeep Gupta either dancing or crying. This time he was only crying. In terms of polling, now you've made him. Oh God! But the thing is, listen. Are you get it all ready? No, no. Pradeep, come on. Here's the thing. If you look at all our posts and our coverage during the post poll, also we were constantly saying, let's not get carried away. It's a post poll. It's directional. Let's not get carried away. Are you sure, Rahul? That you didn't get carried away? There's a bunch of people who don't seem reconciled to the idea that Prime Minister Modi is winning the hearts, the minds and the trust of the Indian voter. They've been in denial for 10 years now. That in typical psychological operation style, the opposition got consumed with the idea of Char Sopar. So many leaders from different opposition parties started asking or wondering. They got psyched out by this Char Sopar, and this is, you know, typically Shankar Iyer, what militaries do to their opponents. And here we saw that play out in a political context. So overall, a very bad day for pollsters. And then there was the U-turn on India Today. First by Sudhir, who suddenly discovered the virtues of Congress. Congress, jo hai, uska charitra ab Bharat ke DNA mein sama chuka hai. Use hatana itna jaldi, itna aasan nahi. Wahi Congress, ab is chunav ke baad, वापस जिंदा होकर लौट आई है और अब लोग कह रहे हैं कांग्रेस जिंदा है। क्या पलटी मारी है सुधीर, ऐसे ही चलता रहा तो लोग तुम्हें जर्नलिज्म का नीतीश कुमार बोलने लगेंगे। और फिर आया सुधीर के बॉस की पलटी। जस्ट चेक आउट अरुण पुरी एडिटोरियल इन इंडिया टुडे आफ्टर द रिजल्ट्स। अ फ्री प्रेस इज एसेंशियल फॉर अ वाइब्रेंट फंक्शनिंग डेमोक्रेसी। इफ द प्रेस इज क्लोजली मॉनिटर्ड एंड गाइडेड टू कवर काउंटलेस गवर्नमेंट इवेंट्स and criticism is muted in fear of retribution, then we all get far removed from ground reality. A free press is essential. But media can't play the role of the opposition, no? The media cannot play the role of the opposition. Also, it's funny that Arun Puri is now talking about the press being guided to cover countless government events when his own conclave felt like a Modi event, a Modi rally. आएगा तो देखिए आपका ऑडियंस की आवाज है, ये मुड़ा पे रेसर है। और पढ़ो। The main issue was unemployment and inflation. However, it has been there in every election in recent memory. The difference was that the BJP barely acknowledged it. Read that? Now watch Arun Puri before election results. He understands and feels the needs and the aspirations of the common man. This is what you would call zameen se juda hua aadmi. Ek taraf Modi ji zameen se jude hue hain, dusri taraf BJP did not even acknowledge unemployment and inflation. Pick a lane, Puri ji. Now, NDA did not get as many seats as the pollsters had suggested, but they did get enough seats to form the government, which brings us to the fourth stage. All is well. After all, Mitro, aa to gaye Modi ji. After going through the shock of the results, the anchors managed to regroup and then they consoled themselves ki bhai chalo, jo hona tha ho gaya. Good news is ki aa gaya to Modi hi. The BJP alone on one side, under Modi, despite 10 years of incumbency, and the entire India Alliance on the other, the number 240. On the screen, ladies and gentlemen, is the number of 240 for the BJP. Yani aisa nahi hai ki Narendra Modi ekdam हाथ कांप रहा है कि किसको दें किसको, अरे बॉस कुछ नहीं, एकदम हिसाब क्लियर है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी है, बहुमत नरेंद्र मोदी के नाम पर मिला है एनडीए को, मोदी आ रहे हैं दोबारा, इसलिए जो लोग कहते थे कि कुछ भी हो जाए आएगा तो मोदी, वो लोग सही साबित हुए और प्रधानमंत्री मोदी लौट रहे हैं तीसरी बार। एनडीए की मीटिंग में जिस तरह की तस्वीरें आई उससे भी क्लियर लग रहा है कि नरेंद्र मोदी रिलैक्स हैं, एनडीए के सारे नेता रिलैक्स हैं, सब ऑल इज वेल है और फील गुड वाला माहौल। आप नीतीश कुमार देखिए मुस्कुरा रहे हैं।
चंद्रबाबू नायडू, नरेंद्र मोदी, सब बढ़िया माहौल में बातचीत हुई। सब चंगा सी। कांग्रेस का खेमा जिस तरह से पार्टी मोड में है, उससे लगता है कि इस बार सत्ता उन्हीं के हाथ लगी है। आखिर किस बात का सेलिब्रेशन हो रहा है? इफ यू स्टिल डोंट नो व्हाई पीपल आर कॉलिंग दिस इलेक्शन अ विन फॉर द ऑपोजिशन, देन लिसन टू योगेंद्र यादव। यू हैड द एंटायर एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, ईडी, आईटी एंड अनफॉर्चुनेटली द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्किंग फॉर द बीजेपी, working as headquarters and employees of the BJP. In that situation, if that party with so much power, so much stranglehold over everything, in that match, if the party ends up with 240, some 30 seats below the majority mark, this cannot be called anything but a popular mandate and verdict against the ruling party and against the Prime Minister himself. Now, comes the last stage, and that is back to work as usual. Modi ji was sworn in as the Prime Minister earlier this week, and 30 cabinet ministers have been announced. Amit Shah, Rajnath Singh, Nirmala Sitharaman, S. Jaishankar will all continue in their posts, and Sudhir and Sushant will also continue to occupy their posts of prime time karyakartas. Jis tarah se Narendra Modi ne apni team banayi hai, उससे तो क्लियर मैसेज आ गया है कि खेला नरेंद्र मोदी के साथ नहीं, खेला विपक्ष के साथ हुआ है। इस मंत्रिमंडल पर एनडीए के घटक दलों की नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की मोहर लगी हुई है, और इससे पता चलता है कि इस गठबंधन सरकार में असली बॉस प्रधानमंत्री मोदी ही हैं, वही बॉस रहेंगे। यह शुरुआत कई मायनों में बहुत बड़ी है, बहुत ऐतिहासिक है, क्योंकि मोदी सरकार की शपथ के साथ ही कई रिकॉर्ड टूटे हैं और कई नए कीर्तिमान, कई रिकॉर्ड बने हैं। तीसरा टर्म पहला दिन और मोदी ने टॉप गियर कैसे लगा दिया है। बॉयज विल बी बॉयज एंड सुधीर विल बी सुधीर। आजकल जब हमारे देश में बहुत सारे लोग बिना झुके कुछ इस तरह से अपने बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं, जरा सा आपने देखा होगा, आजकल ऐसे झुकते हैं और बस उसी को मान लिया जाता है कि पैर छूकर आशीर्वाद ले लिया। ऐसे समय में आप पवन कल्याण से ये सीख सकते हैं कि आपने अगर बड़ों के पैर छूने हैं तो पैर छूने का सही तरीका क्या है। अपने से बड़ों के पैर बिना छुए कैसे छूते हैं, ये तो हम आपसे बहुत टाइम से सीख रहे हैं सुधीर जी। बट एनीवे, ऐसा भी नहीं है दैट न्यूज की दुनिया में कुछ नहीं बदला है। ऑन वेडनेसडे आई सॉ अर्नब डूइंग अ शो ऑन नीट विद स्टूडेंट्स विद द हैशटैग स्टूडेंट्स मैटर। कैन यू बिलीव दैट? आई रिक्वेस्ट द एजुकेशन मिनिस्टर, आई रिक्वेस्ट द प्राइम मिनिस्टर to give a sense of reassurance to students across the entire country. This anxiety is most not needed. But I also request the central government to look into what is going on with the National Testing Agency. Arnab asked straight questions to those in power. We need to raise the chorus on this. A new government has been elected. The education minister, the health minister, whichever department this comes under, have to look into this with utmost seriousness. Chalo. आगे जो कुछ हो, एक चीज में तो हम सब सफल रहे। दिस इलेक्शन वी मेड शो ईच वॉइस काउंटेड। न्यूज लॉन्ड्री हैड अ शो वेयर वी स्पोक टू स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज अक्रॉस इंडिया। द वन बिग थीम दैट इमर्ज्ड फ्रॉम आवर कॉन्वर्सेशंस वाज जॉब्स, जॉब्स एंड जॉब्स। यंग पीपल वर डिसहार्टेंड विद पेपर लीक्स, दे वर डिसहार्टेंड विद लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, दे वर एंग्री एट द गवर्नमेंट। मोदी जी सत्ता में आने से पहले बोले थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। ऐसे में तो अगर वो रोजगार देते तो आज 20 करोड़ रोजगार दे चुके होते, लेकिन अभी तक ये 20 लाख भी रोजगार नहीं दिए। तो सबसे बड़ा मुद्दा है अभी के समय में रोजगार। जो बीजेपी के अंधभक्त है कहते हैं जो राम को लाए हैं वो हम उन्हीं के लाएंगे, लेकिन हम भी कहते हैं जो युवा के रोजगार लाएगा, महिला की बात करेगा, युवा की न्याय लाएगा और किसानों की बात करेगा, हम भी उन्हीं को लाएंगे। इन दिस इलेक्शन यंग पीपल मेड श्योर दे वर हर्ड। सीधा सीधा मैसेज गया कि भाई सिर्फ राम के नाम पे वोट नहीं मांग सकते, काम भी करना पड़ेगा। फॉर न्यूज मीडिया हियर्स अ लेसन दैट इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्पीकिंग अबाउट पीपल हु लाइक मोदी और दिस गवर्नमेंट और पीपल हु सपोर्ट मोदी, बट इट्स ऑल्सो अबाउट गिविंग स्पेस टू दोज हु आरंट हैप्पी। बिजनेस स्टैंडर्ड दिस वीक हैड एन एक्सलेंट आर्टिकल बाय वनीता कोहली खांडेकर। She is saying something that we have been saying for the past 10 years now. In this election, 642 million people voted. Out of this, 235 million people voted for BJP. TV news has just been catering to these 235 million people.
What about the other 407 million people who don't vote for Bharatiya Janata Party? Where are their voices? Where have their voices been all these years? TV news ignored them. In fact, anyone who didn't support Modi, TV news demonized them. Anti-national hai, sachche deshbhakt nahi hai. Time has now come for TV news anchors to cater to a majority of Indians who don't vote for Modi. Listen to their concerns. Even listen to the problems of people who do vote for BJP, who support the BJP. Nahi kara to bhai Faizabad jaise dhakke Godi ji bhi aur Modi ji bhi dono ko lagte rahenge. Boss, thoda apna dimag lagaiye. Those of you who are surprised by the results in Faizabad and Ayodhya, watch this report from News Laundry from early this year. कुमार विश्वास के सामने है, लोग सेल्फी खींचेंगे। अब ये इनकी इनका देखिए आप, एक मंच से ये दूसरे मंच पे आ गए, उसको टीआरपी दे दी। यही तो मीडिया है। पहले न्यूज 18 पे काम कर रहे थे, अब ये आए हैं किस पे, एनडीटीवी पे आ गए। तो ये मीडिया का, मीडिया क्यों इस तरीके से कर रही है? मीडिया को ऐसा करने नहीं चाहिए। मीडिया माने तो आम आदमी की आवाज, ये आम आदमी थोड़े है, ये तो सेलिब्रिटी है। मंदिर बनने से बस यही एक लाभ है कि जो है, चलिए हमारे बहुत पुराने जो है हिंदुत्व का थोड़ा सा वो हुआ है, बाकी आम आदमी के लिए यहाँ कुछ नहीं हुआ। यहाँ के लोग अभाव में है। अरे, किसानों की जमीन ले ली गई है और उसको जो है जबरदस्ती जो है बैनामा करा के और ले लिया गया है, बाद में उसको बेचा जाएगा बड़े बड़े, मतलब उससे। यही लोग तो ये लोग कर रहे हैं, जो लोग नहीं बेचना चाहते हैं उनको जबरदस्ती दबाव डाल के उनकी जमीन ले ली गई, बाकी जो है अपना बेचेंगे उसको दोगुने तिगुने दाम पे। और औद्योगिक लोगों को ज्यादा बसाया जा रहा है, गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। पर जितने भी हाईवे के किनारे गरीब लोग थे उनको तो उजाड़ ही दिया गया, उनको मुआवजे कहाँ मिला। थैंक्स टू यू गाइस, वी हैव बीन एबल टू ब्रिंग यू दीज वॉइसेस दिस इलेक्शन। News Laundry has always championed people over power. Our allegiance is to you and your concerns. Our allegiance is to public interest journalism, and that will not change with any change in government. You won't see us ever doing a U-turn. Chahe jo aaye, because we are supported by you and we are supported by people, and our only service is for people. Thank you all for supporting our election coverage this season. We did everything without any government ads, without any ads from corporations. So thank you, and a big thank you to all of you who have supported us all these 10 years and those of you who supported our election coverage. But abhi kaam khatam nahi hua hai. We have to continue what we're doing. Journalism in public interest must continue, and for that we need your help, we need your support, we need your continuing support. If you've liked everything that we've done, please log on to newslaundry.com/subscription. Subscribe to News Laundry. This is the only thing that keeps us going. And boy, we do need to keep going. Thank you so much, guys, for watching this episode. We'll be back next week. Until then, stay mad. That's the only way. We have an exclusive offer for TV nuisance viewers. All of you who are still not paying to keep news free, we have a special offer. In this offer, you pay for one subscription and you get one free subscription for your friend, rishtedar, dildar or whoever. All you need to do is scan this QR code on the screen. Scan it. You can also contribute through the link in the description. We will map your subscription and your friend's subscription and email your friend the subscription details. This is a limited period offer, so it's only available to first 100 users. If you want to avail the offer, do it now. Scan this QR code on your screen.